भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले में जिस तरह से बेईमानी के सबूत मैच के बाद निकालकर सामने आए थे, वह आईसीसी के पास जांच के लिए गए और वह सारे सबूत आईसीसी के सामने सच साबित हो गए हैं। बता दें कि दोबारा मुकाबला करने को लेकर दबाव आईसीसी के ऊपर बनाया जा रहा था, लेकिन अब खुद संजय दत्त ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और दोबारा मुकाबला करने को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आपको भी लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा रीमैच होना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर लिखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेईमानी तो मुकाबले में हुई थी, फाइनल मुकाबले भारतीय टीम इसलिए हारी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ बेईमानी करी थी और यह सारे सबूत जब मैच के बाद सामने आए तो आईसीसी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि इस मुकाबले को दोबारा कराया जाए। लेकिन इस बीच संजय दत्त का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की घटिया हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, जब आईसीसी के सामने भारत ने पूरे सबूत पेश कर दी है तो आईसीसी को इस मुकाबले को करना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईसीसी ने इस बात का खुलासा किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज के चलते शेड्यूल बिजी है। तो संजय दत्त ने कहा कि यह सीरीज जब खत्म होगी उसके बाद 6 दिसंबर को मुकाबला कराया जा सकता है। भारतीय टीम को कोई भी एतराज नहीं होगा, बल्कि 140 करोड़ भारतीय तो यही चाहते हैं कि मुकाबले को हर हाल में करना चाहिए। इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड की बात की जाए तो रोहित ने पेट कमिंस की तुलना में वर्ल्ड कप में ज्यादा मुकाबले जीते हैं, इसलिए भारत ही डिजर्व करता है। लेकिन बेईमानी के चलते ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ट्रॉफी तो चली गई, लेकिन उसे वापस लाने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। इस तरह से संजय दत्त ने दोबारा मुकाबला करने को लेकर आईसीसी को फटकार लगाई है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, मुकाबला दोबारा होता है तो कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।